हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड आप लोग कैसे हो ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड आप लोगों के लिए एक न्यू रेसिपी लेके हम आ गए। फ्रेंड आज हम बनाने जा रहे हैं आलू से नाश्ता, जो बहुत टेस्टी बहुत लाजवाब बन के तैयार होता है फ्रेंड। तो फ्रेंड आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, कैसे बनाएंगे, किस तरह ये नाश्ता बनाएंगे। और फ्रेंड अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम कोई वीडियो डालें आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड इसका नाश्ता कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 3 आलू लिए हैं और इसके छिलका निकाल लिए हैं और धो लिए हैं इसको। तो चलिए इसको छोटे छोटे पीस कट कर लेते हैं। तो वीडियो में देख सकते हैं फ्रेंड कैसे कट कर रहे हैं। और ये नाश्ता बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है। आप ये बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हैं और बहुत आसानी से बन जाता है फ्रेंड, और इसको आप फटाफट बना सकते हैं। तो इसको हम छोटे छोटे पीस कट कर लिए हैं। तो वीडियो में देख सकते हैं फ्रेंड कैसे कट करे हैं। और चलिए अब इसको हम एक मिक्सर जार में ले लेते हैं और इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। और एक टुकड़ा ले लेते हैं अदरक का और मिर्च ले लेते हैं। मिर्च हम ज़्यादा नहीं लिए हैं क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं, मिर्च हम थोड़ी सी लिए हैं। और एक कप ले लेते हैं सूजी और आधा कप दही। और इसको बंद कर देते हैं, लीड लगा देते हैं और चलिए इसको ग्राइंड कर लेते हैं, पीस लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड इसको पीस लिए हैं इस तरह एकदम से, नहीं इसको एक बारीक पीसना है। तो वीडियो में देख सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो एक बर्तन ले लेते हैं, इसमें निकाल लेते हैं। देखिए निकाल लिए हैं अब इसको। अब इसमें हम कुछ सब्जियां डाल देते हैं। सब्जियां आप मनपसंद अपने इसमें डाल सकते हैं। तो इसमें हम गाजर को ग्रेट कर लिए थे, इसको डाल देते हैं। एक गाजर ग्रेट करे थे। और हम डाल देते हैं शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, एक शिमला मिर्च डाले हैं यहाँ पर। और थोड़ा सा धनिया की पत्ती डाल देते हैं, धनिया की पत्ती को भी कट कर लिए थे। और नमक टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं। और यहाँ पर डाल देते हैं भुना हुआ जीरा आधा चम्मच के आसपास, और आधा चम्मच डाल देते हैं हल्दी, हल्दी से कलर अच्छा आ जाता है। और थोड़ा सा हम बेसन डाले हैं, यानी 2 चम्मच, और इसको अच्छे से मिला दिए हैं। तो देखिए फ्रेंड जैसे हम पकौड़े के लिए घोल तैयार करते हैं उसी प्रकार इसका घोल तैयार करें हैं। इधर पैन रख दिए हैं और इसमें हम 2 चम्मच बड़े डाल दिए हैं ऑयल, रिफाइंड ऑयल डाले हैं। और यहाँ पर डाल दिए हैं 1/2 चम्मच तिल और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया। आपके पास अगर मीठे नीम की पत्ती या कड़ी पत्ता उसको डाल दीजिए, और हमारे पास इस टाइम नहीं था तो मैं डाल दी धनिया की पत्ती थोड़ी सी कटी हुई। अब जो घोल तैयार करे थे उसको इसमें डाल देते हैं। अब थोड़ा सा इसको अच्छे से पूरे पैन में फैला देते हैं और गैस को एकदम धीमा रखना है। और इसको अब ढक देते हैं, इसको हम ढकेंगे 15 मिनट के लिए। तो देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। तो इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लग रहा है तो इसको ऑयल को हम निकाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं पका है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड ये पक गए हैं। अब इस ऑयल को हम निकाल लेते हैं ये कटोरी में निकाल लेते हैं फ्रेंड। आराम से निकालिए। तो देखिए निकाल लिए हैं। अब इसको हम चलिए पलट देते हैं, दूसरी तरफ भी अच्छे से इसको पका लेते हैं। तो देखिए इस तरफ, यानी एक तरफ अच्छे से ये धीमी आंच में रखे थे तो एक तरफ अच्छे से पक गया। अब दूसरी तरफ इसको डाल देते हैं। तो आसानी से आप लोग डालिएगा, टूटे ना। इसको भी 15 मिनट के लिए रख देते हैं गैस को धीमा करके। तो देखिए फ्रेंड 15 मिनट हो चुके हैं। अब चलिए इस नाश्ता को
निकाल लेते हैं। नाश्ता तैयार हो चुका है, तो ये देखिए अच्छे से इस तरफ भी पक गया है। तो चलिए फ्रेंड इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो आराम से निकालिएगा, ये देखिए इसमें हम मीठा सोडा वोडा कुछ नहीं डालें। अगर आप डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा दो यानी दो पिंच डाल दीजिए और इसको हम बीच से कट कर लेते हैं। ये देखिए और फ्रेंड इतना टेस्टी ये नाश्ता बनके तैयार हुआ था। आप लोग एक बार ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा ज़रूर। तो इस तरह हम कट करके बच्चों को आप इसको टिफिन में रख दीजिए और ऐसे चाय के साथ भी खाइए, बहुत अच्छा लगता है खाने में और फटाफट बन के तैयार भी हो जाता है फ्रेंड, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। आप बच्चों को टिफ़िन में ये आसानी से बना के टिफ़िन में रख सकते हैं, बच्चे भी बहुत मन से खाते हैं और हेल्दी भी रहता है, ज़्यादा ऑयल भी इसमें नहीं रहता है। तो देखिए ये नाश्ता बन के तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए, कमेंट करिएगा। तो चलिए फ्रेंड अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।